Well, ladies and gentlemen, today I'm going to teach you the difference between this, these, that and those. Normally, बच्चों के यही problem होते हैं, ठीक है, in language के अंदर. As I have told you before that I'm not going to teach you the grammar, I'm going to teach you spoken skills. So there are some words today which I'm going to teach you, जो कि आप लोगों ने daily routine के अंदर use करने हैं, okay? Normally जो sentences हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो start लेते हैं, वो इनसे लेते हैं. तो छोटी सी चीज थी, I thought that I should tell you this, okay? So look at here, this, these, that and those, okay? They start from the, this, this, these, that and those. अच्छा, this माने ये, these माने भी ये, okay? That माने वो, and those माने भी वो. अच्छा, this जो होता है वो किसी भी करीब की कोई चीज़ हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. दिस इज़ अ बोर्ड, ओके, सॉरी, दिस इज़ नॉट अ बोर्ड, ओके, दिस इज़ अ शेल्फ, दिस इज़ अ बोर्ड, ओके. नॉर्मली बच्चे कहते हैं दिस इज़ अ ब्लैक बोर्ड, वाइट बोर्ड, ओके. वेल, सो दिस इज़ अ चेयर, दिस इज़ अ मार्कर, ओके. लेकिन अगर ये मार्कर, ये बोर्ड, ये सब चीज़ें दूर होंगी तो हम कहेंगे दैट इज़ अ मार्कर, दिस इज़ अ मार्कर एंड दैट इज़ अ मार्कर. गॉट इट? सो दिस इज़ अ फैन एंड दैट इज़ अ फैन, ओके. गॉट इट? Okay, chale, now let's talk about your dad. Okay, this and that over. Now let's talk about these and those. So, if one marker is, we use this. If it is more, then we will say these are markers. Okay, kareeb hain. Zyada cheeze kareeb honge to hum kahenge these are markers. These are my students. Okay, these are desk. Okay, ek desk hota hai, ek dax hota hai. Desk singular aur dax jo hota hai, wo plural hota hai. Okay, so these are chairs. Fine, got it? अब यही कुर्सियाँ अगर दूर होंगी तो हम कहेंगे दोज आर चेयर्स, दोज आर फैंस, दोज आर टेबल्स, दोज आर अनियंस और दोज आर व्हाटएवर. सो आई रिपीट, दिस एक के लिए, दीज ज़्यादा के लिए, लेकिन दोनों वी यूज़ फॉर नियर थिंग्स, जो करीब चीज़ें होती हैं. दिस एंड दीज, दैट कोई एक चीज़ के लिए और दूर हो, एंड दोज ज़्यादा जो कि दूर हों. सो दैट इज़ अ मार्कर एंड दोज आर मार्कर्स. दिस इज़ अ बॉय, दोज आर बॉयज. क्लियर? अच्छा, अब अगर इसके अंदर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो एक आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ करीब दूर के चक्कर तक ख़त्म होने के लिए. व्हाट इज दैट? इन के बदले आप इस्तेमाल कर सकते हैं इट. इट, गॉट इट? आप कोई भी चीज़ सिंगुलर, करीब हो या दूर हो, आप इसको इट कह सकते हैं. इट इज़ अ पैन एंड इट्स अ पैन. भले आप चांद की बात कर रहे हैं, इट्स अ मून. गॉट इट? सो करीब होगा तो दिस, दूर होगा दैट. अब अगर इसका प्रॉब्लम आपने ख़त्म करना है, आप कहते हैं इट, इट इज़ द मून, इट इज़ द सन, इट इज़ चेयर और जो भी है. इसी तरीके से इन दोनों के अल्टरनेटिव आप इस्तेमाल कर सकते हैं दे, दे, आई मीन दे. गॉट इट? तो दे, द आप करीब हों या ज़्यादा हों, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर चेयर्स, दे आर चेयर्स. क्लियर? सम मोर एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको कि दीज आर चेयर्स, those are chairs, these are my friends, those are my friends over there, these are onions, those are potatoes, this is school and that is school, this is mobile and that is mobile, it is mobile. आप कह सकते हैं. क्लियर? आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी. ठीक है, मैं फिर आपको रिपीट कर दूँ कि दिस दैट, दिस सिंगुलर, दैट सिंगुलर, दिस प्लूरल, दोस प्लूरल, this and that for singular noun, करीब के लिए, दूर के लिए, these and those for plural noun, करीब के लिए, दूर के लिए. ये प्रॉब्लम ख़त्म करनी है तो इन दोनों की जगह पर आप इट इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि this and that की जगह पर इट इस्तेमाल कर सकते हैं, और these और those की जगह पर आप दे इस्तेमाल कर सकते हैं. आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी. Have you got it? Yes, sir. Sure. Okay, so फिर इंशाल्लाह टेक केयर, योर क्लास टाइमिंग इज ऑफ एंड ट्राई टू स्पीक दिस. ये जितने भी जुमले हैं आप लोग कोशिश करेंगे बोलने की. अब कैसे कोशिश करेंगे? अब आप जुमले इससे सेंटेंस बनाएं खूब सारे, ठीक है, जो यहाँ पे मौजूद हैं वो भी और जो वहाँ पे मौजूद हैं आप लोग भी वहाँ पे अपने सेंटेंस बनाएं कि दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ पेन, इट्स अ पेन. कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो अब आप लोग कमेंट में काम करें. माय नंबर आप देखिए नीचे मेरा नंबर लिखा हुआ आ रहा है 03222515034. तो इस नंबर के ऊपर आप लोग जो भी यू नो आपको जो भी सेंटेंस बनाते हैं आप उसके मुझे वॉइस मैसेजेस भेज सकते हैं. ठीक है, वीडियो बना के भेजें या वॉइस मैसेजेस भेजें ताकि मैं चेक करूँ कि हाउ गुड यू मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.